कोई लड़का है, सबको जाता है, सावन नाता है। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? I hope सब बहुत अच्छे होंगे और आपको सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अभी 12 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट रेडी है मेरा, और मैंने बनाई है रोटी, आलू गोभी की सब्जी और रायता। और ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा ही है ये, और इसे देखो कहाँ पसर के खा रही है। ये नहीं खा रही, ये शोना को खिला रही थी। और ये क्या करने गया हुआ? पानी भरने। कितनी मेहनत करेगा बेचारा एक पानी लाने के लिए। सारी गाड़ियों को खिलाता है खाना साथ में, देखो गाड़ियां खाएंगी आलू और बस खाएगी भाई। अच्छा, सबकी अलग अलग वैरायटी। और बिग बॉस का फिनाले कल हो गया है और हमारा एलविश यादव जीत गया, और उसे जीतने की खुशी में खाएंगे घेवर। उसके जीतने की खुशी में आज खाएंगे घेवर, मिठाइयां। और इसलिए क्योंकि कल मेरा भाई आया था, वो देके गया है ये सब। ऐसे बोल रही है जैसे तो ये खुद लेके आएगी है। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तू खुद लेके आएगी उसके जीतने की खुशी में। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, भाई लेके आया इसलिए कह रही है उसके जीतने की खुशी में, ना तो ये हलवा भी ना बनाती। सो गाइस, अभी 1:30 बज गए हैं और नीचे का हमारा काम अब खत्म हुआ है सुबह से। सुबह कितने बजे हुई थी तुम्हें बता? सुबह हुई थी आज 9:30 बजे। ये लेट उठी थी, ये नीचे बहुत लेट आई। कितने बजे आई थी नीचे तू? 11 बजे। इसकी सुबह 11 बजे हुई थी, मेरी 9:30 बजे हुई थी जब ये आई थी। तब तक तो मैंने ब्रेकफास्ट भी हिंट दो, हिंट नहीं दूंगी। और नोनू को हम देंगे अगर ये आज पूरा दिन अच्छे से बिहेव करेगा, मेरी बात मानेगा, तो इसको एक वो चीज दी जाएगी। मौसी ने मंगवाई है इसके लिए और उसकी अनबॉक्सिंग होगी नोनू के सामने ही। देख बताओ ना, हिंट दो। अभी चल मेरे साथ, मेरा देख लाइट बंद करिए सबसे पहले तो। मेरा ऐसा मन कर रहा है अभी जाके 9:30 बजे उठी हूँ मैं, और अभी मेरा ऐसा मन कर रहा है जाके कि तुम्हारे फ्लोर में शोर तू मचाती रही है शोर। और नहीं तो बच्ची ने आज मशीन लगाई है, इसने अपने कंबल उम्बल धोए हैं और ये अब मचाएगी शोर। मैं और सोना अब मचाएंगे शोर। नूनू आओ, मैं अब नूनू को लेके जाऊंगी, थोड़ा सा इसको पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, और फिर थोड़ी सी देर इसको लेके सो जाऊंगी मैं, और फिर उठेंगे जब जब इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और फिर दिखाएंगे कि नूनू के लिए क्या चीज है ना नूनू। थोड़ी सी तो है। अब नूनू के खलबली मच गई अंदर से, अब नूनू के चैन नहीं पड़ेगा जब तक देख नहीं लेगा। मौसी ने मंगाई है, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं है, मौसी से पूछ, इसके पीछे लगा देती हूँ। गाइस इसने कपड़े धोए हैं, देखो कंबल धोए हैं इसने। और दिखाऊं? और दिखाऊं गाइस, बारिश देखो इतनी तेज, एकदम से बहुत तेज बारिश। ये देखो क्या जबरदस्त बारिश आ गई। अभी बेचारे के कपड़े धोने पूरे भी नहीं हुए थे कि बहुत तेज बारिश आ गई। हाँ क्या हुआ बोलो? पापा ऑफिस थोड़ी जाएंगे, छुट्टी आज ऑफिस की, मत चढ़ो इसके ऊपर, चलो नीचे उतरो। हल्के हल्के से बादल हो रहे थे, कभी धूप कभी बादल, कभी धूप कभी बादल, और अब इतनी तेज एकदम से बारिश आई है ना सोना। चले छत पे बारिश में भीगने हैं, चलो चलते हैं बारिश में छम छम नाचेंगे। वो कौन सा गाना है? कोई लड़की है जब वो बारिश आती है, कोई लड़का है इसको नहीं मुंह में लो गंदी वो। अच्छा गाना आगे तो सुनाओ। कोई लड़का है सबको जाता है, सावन आता है, तक जुम जुम तक जुम जुम है ना। छत पे चल के डांस करे इस गाने पे, फोन में गाना बजा के देख, ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर, चल अंदर, चल सोना अंदर, चलो 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 चलो। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। जब मैं ऊपर आई थी ना तो मैं लेटी थी थोड़ी देर, ये सोच के कि थोड़ी देर मैं सो लेती हूँ, और उसके बाद मैंने फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और यही सब देखती रही। और उसके बाद मुझे लगा कि अब शायद मुझे नींद नहीं आ रही, और व्लॉग पड़े हुए थे एडिट करने के लिए, तो मुझे लगा था आज छुट्टी है,
तो दो व्लॉग थे, मैंने सोचा था दो के दो मैं एडिट कर लूँगी, और मैं करना स्टार्ट भी हो गया था और व्लॉग एडिट करते करते मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गई। तो यही होता है मेरे साथ, जब इंटेंशनली लेट हो ना सोने के लिए तब नींद नहीं आती, और जब कुछ काम करने लग जाओ तो नींद आ जाती है। तो मैं पता नहीं मुझे मैं किस टाइम सोई, तो मैं अभी उठी हूँ सो के, और अब मैं देखती हूँ जाके नोनू क्या कर रहा है। शायद वो साइकिल चलाने गया होगा, क्योंकि ये इस टाइम उसका साइकिलिंग का ही होता है। गलत टाइम पे सो गई, असल में मेरे को आदत नहीं है दिन में सोने की, तो मैं सो जाती हूँ ना तो फिर मेरी नींद बहुत देर तक खुलती नहीं है, मतलब मेरे को नींद से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। तो कोई नहीं, सोना के पास जाती हूँ, उससे बकैती करके ना मेरी नींद दो मिनट में भाग जाएगी। आ जाओ गाइस, घेवर खा लो। खाएगी सोना? ये अभी सो के उठाया, और देखो सारी गाड़ियाँ इसके बेड पे। क्या तरीका है ये, उठाया सो के, चिड़चिड़ा हो रहा है इसलिए अभी किसी से बात नहीं। खाना मैंने चढ़ा दिया है, फ्रेश टाइम, और दाल चावल बना रही हूँ मैं, और रोटी बनेंगी। देखो ये जब से टीवी देख रहा है ये बंद कर, टीवी बंद चाहिए मेरे को एक मिनट के अंदर अंदर। तो नीतू अभी आई नहीं है, तो मैंने खाना चढ़ा दिया था टाइम से, बस वो दोनों माँ बेटा भी आएंगे शोर मचाते हुए, तब तक हम खाना बना लेंगे। कोई नहीं, दोस्त तो वही बनाती है शाम का खाना, मैं कभी कभी बनाती हूँ, तो जब मुझे मौका मिलता है मैं बना देती हूँ। नून जल्दी कुछ बैठे थे, बंद करो, शोर हो रहा है बच्चे। चल भाई आता, उससे पहले हम देख लेते हैं भाई के लिए क्या मंगाया मुझे, है ना, हम भाई से पहले देख लेंगे, फिर भाई आएगा, भाई कहेगा तुमने तो खोल लिया, है ना। क्या पतंग उड़ा रहा है क्या इस टाइम वो भाई? पतंग उड़ा रहा है, तो तुम क्यों आ गए? पैकिंग तो बड़ी जबरदस्त कर रखी है, लगा लगू के एक दूसरे से पतंग खाए ना। अच्छा वो वाले ना, उसमें बलद है ना। बलद है? बलद। ब्लड? किसका ब्लड है? एक नहीं, एक और हमारे पास पतंग आ गई। अच्छा भाई के लिए बुक मंगाई है हमने। देखो मैं भाई को दिखा कर आता हूं। भाई यहीं आएगा, यहीं आएगा भाई, यहीं आएगा ना भाई, इसमें डालेंगे भाई को, भाई निकालेगा अपने आप। भाई को सरप्राइज है ना ये भाई का, वो तो हमने भाई से छुप के देख ली ना, तो छत पे थोड़ी ले जाएगा, अंधेरे में कैसे देखेगा भाई। जा यहीं बुला के ला भाई को, ये मुझे दे भाई का चमचा। डाल जल्दी डाल। गाइस नोनू का रिएक्शन लेंगे, आई होप नोनू को पसंद आएगी। नोनू जाओ, कम टू मी, सिट हियर। ये लो मौसी ने तुम्हारे लिए चीज मंगवाई है, मुझे पता है ड्राइंग वाली, मुझे देख के बताइयो कैसी लगी। मैंने तो बताया ना। हां यहां बैठो, उसने मंगवाई है मौसी ने, सो ही नहीं सकता भाई। मैं तू ना इसमें तो ही चलेगा। ये क्या है? यूनिकॉर्न। वेरी गुड। ये मेकअप करने वाला घोड़ा, हर संडे को एक पेज, ये नहीं पूरी दिस दे एक दिन बैठ के पता चले पहला पेज से शुरू करे और आखिरी पे रुके। तो गाइज ये बुक मंगवाई है हमने अमेजोन से नोनू के लिए, और ये स्पेशली 7+ एज के बच्चों के लिए है। तो अगर आपके घर में 7+ एज के बच्चे हैं और उनको कलरिंग का शौक है, तो आप डेफिनेटली वहां से ये परचेज कर सकते हैं बुक। और देखो इसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, और पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। नोनू को तो बहुत मज़ा आएगा इसमें कलरिंग करके। तो बाकी अगर आपको चाहिए तो आप अमेजोन से इसको ले सकते हैं। शेर खा लेगा, देखो दिल देख ले उस पे, दिल पे नाम देख ले जा, दिल देख ले जरा नाम देख उस पे किसका लिखा तब मानेगा। विश्वास प्रूफ चाहिए आजकल के बच्चों को भैया, भरोसा नहीं है। मैंने नहीं मंगवाई, जब मैं खुद बोल रही हूँ तो कह रहा नहीं तुम नहीं मंगवाई, कोई बात है, कोई तरीका है। मैंने तो इसके 8 फोल्ड लिख दिए, नाम देख ले किसका लिखा, ढूंढ कहाँ लिखा। ये रहा ये रहा, नीटू नीटू, ठीक है दो वाली तो लिखा है, ठीक है। अब चलो अभी से दोबारा, तो तूने अब थैंक यू बोला मौसी को? नहीं बोलो
क्यों, क्या मंगवाई है? मुझे नहीं है भरोसा। नहीं है तो चल मुझे बोल दे। मुझे बोला तूने, तुमने सोई की फोन से कर दिया होगा तो मुझे बोला तूने थैंक यू, मैंने मंगवाई है तो मुझे भी तो बोलना चाहिए। मुझे बोला इतनी आराम से बोला, सुनाई नहीं दिया। एक गंदा बच्चा देखना क्या कर रहा है गाइस। ये बच्चा पागल हो गया है गाइस, ये बच्चा पागल हो गया है। अब जाओ सोने के लिए, सुबह स्कूल जाना ना। चलो सोने, चलो लेट्स गो। मन नीचे गाइस को एक और रंग दिखाए बाद में, अब कल दिखाएंगे गाइस को जो दिखाना है। अब गाइस सोएंगे। नहीं बहुत अच्छी ड्राइंग है, दिखा रहे हैं। कल दिखाएंगे। अब गाइस आपको अगले व्लॉग में हम नोनू की ड्राइंग दिखाएंगे, ठीक है? नोनू ने ड्राइंग जो हाथी को कबूतर बनाता, नहीं कबूतर को हाथी बनाता। आर्टिस्ट, हमारा आर्टिस्ट है ये। के था वो कौन सा, मजनू भाई? ये हमारा आर्टिस्ट है मजनू भाई का चेला। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये हाथी का कबूतर बनाता है, कबूतर का चूहा और चूहे का बंदर। चल भाग जा नोनू सोने के लिए। चलो चलो जो मैंने स्केच पेन से बनाई। ठीक है, ओके ओके डन। गाइस अगले व्लॉग में आपको नोनू की एक ड्राइंग दिखाएंगे हम, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा इस आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी देखने के लिए। आर्टिस्ट है तू, आर्टिस्ट। तो गाइस नोनू तो चला गया सोने, और अब हम भी जाएंगे सोने, है ना सोना? हम भी नीनी करेंगे, हमें नीनी आ ली है, हमें सुबह जल्दी उठना है, सोना को स्कूल जाना है, मम्मा को ऑफिस जाना है ना? भाई को ट्यूशन जाना है, भाई को भी स्कूल जाना है, भाई को और ट्यूशन भी जाना है। ट्यूशन तो 3 बजे जाना है, ट्यूशन तो भाई को स्कूल से आके जाना है। तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। तो बाय 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 नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ले ले ले, बाय बाय।